हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल KTS दिल्ली में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे भारत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की है, जिससे कि आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आपको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करनी है। ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है, और आप जब मेरी ये वीडियो देखोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिस लिंक पे आप डायरेक्ट जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहले से इसका लिंक है, ये लिंक पे आप क्लिक करते ही सीधे प्ले स्टोर पे आ जाओगे। ये है हमारी आरोग्य सेतु ऐप, NICE गवर्नमेंट मोबाइल ऐप। फ्रेंड्स, इसका लोगो आप चेक कर लो, आरोग्य सेतु के नाम से बहुत सारी ऐप है प्ले स्टोर में। इसका ये हार्ट वाला लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2.7 MB की ऐप है, बेस्ट ना, आपके मोबाइल में ज़्यादा स्पेस लेगी ऐप। ये डाउनलोड हो रही है फ्रेंड्स। ये हो गई ऐप हमारी डाउनलोड, इसको करते हैं ओपन आरोग्य सेतु। इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मराठी, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। तो इसको हम हिंदी कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इजी होगा। ये ऐप ओपन हो गई है, इसमें ये पहला पेज आया। हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया। इसका दूसरा पेज है ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेट सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों को भी आमंत्रित करें। ये तीसरा पेज ओपन हो गया। यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। फ्रेंड्स, ये इसका चौथा पेज लॉगिन हो गया। आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार, मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। तो फ्रेंड्स, यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। इस ऐप परमिशन सेवाओं गोपनीयता की शर्त, हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं।
मोबाइल लोकेशन, आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पे सेट करें, आप इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपके मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता करने में मदद करता है। यह आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें। डाटा शेयरिंग, आपका डाटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा। यह अच्छी बात है ऐप की, क्योंकि कुछ लोग कोरोना वायरस के शिकार होने पर वो हॉस्पिटल नहीं जाते, जो कि हम सोशल मीडिया पे वीडियो डेली कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। यदि आप कोरोना वायरस मुक्त भारत में योगदान देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सेवा और गोपनीयता की शर्तों की अपनी स्वीकृति करें। मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक कर देते हैं। ऑलवेज फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसे हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और लोकेशन ऑन कर दी। लोकेशन और ब्लूटूथ दोनों ऑन हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी आ गया। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और ये OTP आया, और OTP ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसमें ये आपकी निजी आपकी जानकारी मांग रहा है, ये कि आप पुरुष है, स्त्री है, अन्य है। आप पुरुष पूरा नाम अपना टाइप कर दो, जो भी आपका नाम। नाम डालने के बाद इसमें आपको अपनी आयु डालनी है, जो भी आपकी एज है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका वयस्क क्या है। आप जो भी है, डॉक्टर, नर्स, पुलिस अधिकारी, वितरण, कॉस्मेटिक, उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता, इनमें से कोई भी नहीं। आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें ये आपसे इसमें पूछ रहा है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण, आप जिस भी देश में गए हैं, आप कहीं भी गए हैं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में गए हैं, तो आप इसमें क्लिक करके, और अगर आप कहीं भी नहीं गए तो आपको इसमें कुछ नहीं करना और नॉन जाने देना और सबमिट कर देना। फ्रेंड से आ गया, आप सुरक्षित है। इसमें आपकी सारी डिटेल दी गई है। मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो में भी पढ़ सकते हैं और लॉगिन करने के बाद भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। घबराएं नहीं, पर सावधान रहिए। समय पर चिकित्सा और सुरक्षा स्वच्छता के साथ हम कोरोना वायरस के प्रसार को हरा सकते हैं। कृपया खुद को सुरक्षित करें, सावधानी बरतें और घबराएं नहीं। COVID-19 सहायता केंद्र, सेल्फ, ये सभी जानकारी दी हुई है इस पे। COVID-19 सहायता केंद्र, इसे देख लेते हैं। इसमें आरोग्य सेतु ऐप में सभी स्टेट के नंबर दिए गए कि आप कौन सी जगह किस नंबर पर आपको डायल करना है।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आप कोई जिस स्टेट में रहते हो उसका आपको नंबर दिया गया है कि आप इस पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा नंबर अपने स्टेट से डायल करना है कोरोना वायरस के लिए। यह आगे कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी प्रबंधन एवं COVID-19 के विरोध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन चैट की तरह है कि इस पर जो आप क्लिक करेंगे तो उसके आधार से आपको फिर से रिप्लाई आता रहेगा। अब इसमें आपको अपनी आयु सेलेक्ट कर देनी है। आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई भी नहीं। क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी है, अगर आपको कोई रोग है तो उसमें आपको सेलेक्ट कर देना है। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, हाँ या नहीं। आपने की है तो हाँ, नहीं तो नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है। हाल में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मेरे सुरक्षा के बिना COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की, इनमें से कोई भी नहीं। आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशासन करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं, COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में कोई भी कठिनाई महसूस करती होती है तो आपको तुरंत सन के लिए जाना चाहिए, अधिकारी से जानकारी ले। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है, इस पे जाकर आपको जानकारी ले लेनी है। तो फ्रेंड्स, यही है ऐप में, ये हम बैग जाते हैं और ये ऐप का लोगो है। फ्रेंड्स, इसका लोगो ज़रूर आप ध्यान से देख लो, क्योंकि है ना बहुत सारी ऐप आपको मिल जाएगी, इसलिए आपका लोगो आपको याद रखना है। बाकी आप मेरी वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं, एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए और एक एप्पल और ब्लैकबेरी के लिए। तो आप उनमें से जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप उस लिंक पे जाके डायरेक्ट ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KTS दिल्ली।